सर राखी के साथ में आपका ये दूसरा गाना है और पहला गाना जो था वो आदिल और राखी को लेकर था, अब ये दूसरा गाना है। किस तरीके से सोचा आपने? फर्स्ट टाइम सर को है ना कोई दूसरा हीरो लेकर आए थे तो सर मैंने क्या किया था बताइए। नहीं राखी ने कहा था कि नहीं मेरे को यही सॉन्ग करना है। नहीं फर्स्ट सॉन्ग की बात आदिल के लिए ना, हाँ आदिल को ही करना है, आदिल को ही लेना है, उसको हीरो बनाना है और अच्छे से हमने करना है सॉन्ग को। तो मैंने राखी जी का मैंने चलो ठीक है क्योंकि नए के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना हर को देना चार्ज देना। मैं अगर राखी जी आप बोला तो आपके लिए भी करते हैं फिर, लेकिन अब उस सॉन्ग के बाद जो दर्द राखी जी का देखा तो मेरे को देखा नहीं गया। तो मैंने कहा एक सॉन्ग इनका जो अंदर की जो बढ़ास है वो निकल जाए और ये फिर दोबारा से अच्छे से इंडस्ट्री में अच्छे से काम करने लगे। आज देखा थोड़ा कूल लग रही है मेरे को लग रहा है थोड़ा सा पाला, नहीं तो इनका हमेशा बहुत ज़्यादा शक्ल भी इनकी थोड़ी थैंक यू राखी जी थैंक यू सर। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं सर, डेफिनेटली मेरी जिंदगी में खुशियाँ थी और सडनली एक ऐसा मौका आया कि मेरी मॉम भी चली गई एंड मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मतलब भूकंप आ गया। अब इससे ज़्यादा क्या भूकंप के झटके हो सकते हैं लाइफ में। तो मेरी रियल लाइफ हमारे साजिद भाई भी है यहाँ पर जो पूरा प्रोडक्शन से लेके पूरा सब कुछ बहुत अच्छा सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। दो दिन की बढ़िया जो शूट है इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया इस सॉन्ग को थैंक्स टू माई मुदस्सर ब्रदर जो सलमान जी भाई के सिवा काम ही नहीं करते। तो ऐसा दिल टूटा है मतलब कुछ बचा ही नहीं है तो बट हाँ लोग मतलब दिल टूटने के बाद दारू का सहारा लेते हैं। आप ऐसे मैं नहीं हूँ ये सॉन्ग में लो आंसू होगा तो ये मेरे तो आंसू ही मैं खुद पी रही हूँ। आप कितना रोते हो? बहुत रोती हूँ। सर आपने कहा है कि सलमान सर के साथ भी अभी आप प्रोजेक्ट करने वाले तो कहीं ना कहीं जिक्र करोगे आप किस तरीके का प्रोजेक्ट होगा वो कुछ बताना चाहिए। मैं तो उनकी जो जो चीज़ें जैसे फिल्म सॉन्ग भी करते हैं एड फिल्म में भी वो परफॉर्म करते हैं शो में भी वो अवार्ड फंक्शंस में भी करते हैं तो मैं हर चीज़ में जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ मैं मौका मिलता है वो मुझे फ़ोन करते हैं अरे सुन ये करना है अरे सुन वो करना है। तो वेर एवर ही ऑब्वियसली वो एक हमारा एक रिलेशन फैमिली की तरह बन गया बिकॉज इट्स ऑलवेज ऑलमोस्ट लाइक 14 years नाउ सो अभी वो एक अलग बन गया है चीज़ बन गई है तो इट्स अ डिफरेंट ऑल टुगेदर लाइक अ फैमिली लाइक अ बॉस लाइक अ यू कैन से बिग ब्रदर लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। एंड तो वो कभी ऐसा भी होता है कि कभी कोई और भी गाने करते हैं उनके कभी और भी कोई वो मुझे बोलते भी है सुनना ये गाना मैं उनके साथ कर रहा हूँ।